हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उनजिला के चटपटे आइडियाज़। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन रेशमी कोरमा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपनी गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, पैन लेंगे, उसके अंदर तेल और प्याज डालेंगे और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है, हम लोग चिकन का मैरिनेशन करेंगे। हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और दही, मलाई डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम अपने चिकन के अंदर मसाला सारा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। देखिए हमारी प्याज अभी फ्राई हो रही है। अब हम इसको लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम अपनी प्याज को ठंडा कर लेंगे और हम इसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। हरी मिर्च, काजू और पानी डाल के इसको पीस लेंगे। अब हम अपने ऑयल के अंदर काली मिर्च, तेजपत्ता और जीरा डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट और अपना जो हमने अभी ग्राइंडेड पेस्ट डाला था वो भी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला भुन रहा है। अब हम इसके अंदर अपना मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे और हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे चिकन को 10-15 मिनट हो गए। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये गला या नहीं गला। इसको 10 मिनट तक और पकाएंगे। तो ये देखिए इसको 10 मिनट हो गए। अब हम इसका सारा पानी रिड्यूस कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम कसूरी मेथी मैश करके डालेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया। अब हमारा चिकन अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें और लाल मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसको 3-4 मिनट तक उबालेंगे। तो ये देखिए हमारा रेशमी चिकन तैयार है। अब हम इसके अंदर कोयले का धुआं देंगे। एक बाउल रखेंगे, उसके अंदर अपना कोयला डालेंगे, घी और इसको 2 मिनट तक स्मोक देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में तो बहुत अच्छा बनेगा। अब इसके ऊपर काजू डाल के, तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा रेशमी चिकन बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।